बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उलमाए यहूद से कहा कि मेरा इरादा है कि अपने बाप हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की मस्जिद में जाकर ईद मनाऊँ। मक्का मुकर्रमा पहुँचे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं थे। ये लोग जब हज से वापस हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। ये भी अपने साथियों समेत खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ़ देखकर पूछा कि आप ही अब्दुल्लाह बिन सलाम हैं? कहा हाँ। फरमाया करीब आ जाओ। जब करीब गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरा जिक्र तौरात में नहीं पाते? उन्होंने कहा, आप अल्लाह ताला के अवसाफ़ मेरे सामने बयान फरमा दें। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए और फरमा दिया कि कहो कुल हुवल्लाहु अहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरत पढ़कर सुना दी। इब्न सलाम ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गए। मदीने वापस चले आए लेकिन अपने इस्लाम को छुपाए रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने पहुँचे, उस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खजूर के एक दरख्त पर चढ़े हुए खजूरें उतार रहे थे। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर पहुँची, उस वक्त दरख्त से कूद पड़े। माँ कहने लगी कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाते तो तुम दरख्त से ना कूदते, क्या बात है? जवाब दिया, अम्मा जी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से भी ज़्यादा खुशी मुझे ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ तशरीफ़ आवरी से हुई है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी साथ प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अस्सलाम।